उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून के सेलाकुई में आचार संहिता का सत्ताधारियों को लाभ देने के उद्देश्य से कराया जा रहा पंजाबी सिंगर मन किरत आले का कार्यक्रम नेशनल हाईवे 72 पर कराया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 60% टिकट की बिक्री हो चुकी है, जिसमें 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ जुटने की आशंका जताई भी जा रही है। ऐसे में पूरा प्रशासनिक तंत्र फोर्स चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त है। ऐसे में किसी भी तरह की घटना या अनहोनी उक्त कार्यक्रम में घट जाए तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। वहीं आचार संहिता के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 4 व्यक्तियों को एक साथ खड़े होने पर आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जाता है। सर, खबर 7C में आपका स्वागत है। सर, जैसे यहाँ पर अभी हमने नेशनल हाईवे पे देखा सेलाकुई में चौधरी फार्म हाउस पे, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम होने जा रहा है। सर, क्या प्रोग्राम है वो? देखिए, यहाँ पर एक पंजाबी सिंगर द्वारा कोई बैसाखी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम कराया जाना है, जो चौधरी जवाहर सिंह फार्म हाउस में किया जाना है। उसके लिए एक गाड़ी बराबर एडवर्टाइजमेंट कर रही है। अभी मैं भी किसी ने कहा था कि भाई टिकट का रेट मालूम करके आना कि टिकट कितने का है, तो उन्होंने बताया कि 500 रुपये का टिकट है और लगभग 60% टिकट बिक चुके हैं। 5,000 कुर्सियों का स्पेस है और कल टिकटों की मारामारी रहनी है, इसलिए आप आज ही टिकट खरीद लें। उनके द्वारा यह कहा गया है। धन्यवाद।